अमित शाह ने अपने बेटे पे लगे आरोपों पर सफाई दी है। अमित शाह ने भ्रष्टाचार के सभी आरोपों को खारिज करते हुए कांग्रेस पर कई बड़े आरोप लगाए हैं। अपने बेटे जय शाह की कंपनी के टर्नओवर को लेकर उठ रहे सवालों पर बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने पहली बार सफाई दी। अमित शाह ने किसी तरह के करप्शन के आरोपों को खारिज किया और साफ किया कि उनके बेटे ने कोई सरकारी जमीन और कोई भी ठेका नहीं लिया। अमित शाह ने जय शाह की कंपनी में किसी गड़बड़ी को नाकार और अपने दावे के पक्ष में कोर्ट में दायर 100 करोड़ रुपए की मानहानि केस का उल्लेख किया। उन्होंने कांग्रेस के आरोपों को खारिज किया और कांग्रेस को चुनौती दी और कहा कि अगर कांग्रेस के पास इस मामले में कोई सबूत है तो वो उसे अदालत में पेश करे। अमित शाह ने कांग्रेस पर जनता को झूठे तथ्यों के जरिए जनता को गुमराह करने का आरोप भी लगाया। बीजेपी अध्यक्ष ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए कहा कि आजादी के 70 सालों में कांग्रेस पर अब तक भ्रष्टाचार के तमाम आरोप लगे हैं, लेकिन कांग्रेस कभी किसी मामले पर मानहानि का केस दायर नहीं करती। अमित शाह ने जय शाह की कंपनी के टर्नओवर बढ़ने पर इससे कमोडिटी एक्सचेंज का बिजनेस है जिसमें टर्नओवर ज्यादा होता है और मुनाफा कम होने की बात कही। अमित शाह ने साफ किया कि जय शाह की कंपनी को 80 करोड़ का टर्नओवर होने के बाद ही 1.5 करोड़ का नुकसान हुआ। अमित शाह के मुताबिक कंपनी का सारा लेनदेन चेक और बैंकों से हुआ, ऐसे में किसी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला बनता ही नहीं है। अमित शाह ने जिस तरह से कांग्रेस पर करप्शन का आरोप लगाकर अपने बेटे का बचाव किया है उससे साफ है कि बीजेपी जय शाह के मुद्दे पर रॉबर्ट वाड्रा जैसे मुद्दा नहीं बनने देना चाहती। ऐसे में इस बात की संभावना को खारिज नहीं किया जा सकता कि बीजेपी इस मुद्दे के उठने पर आक्रामक रुख अपनाएगी।